नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो क्लास में अचालक के बारे में चर्चा की, तो हमने ये देखा कि अचालकों को दो भागों में कैटेगराइज किया गया। एक है नेज या शुद्ध अचालक और दूसरा हमने पढ़ा अपद्रव्य अचालक या फिर डॉपिंग अचालक। नेज अचालक के बारे में अपने पढ़ लिया। नेज अचालक शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो क्रिस्टल होते हैं वो नेज अचालक के एग्जाम्पल होते हैं। और नेज अचालक का मतलब है शुद्ध या प्योर, यानी उनमें किसी प्रकार का कोई अशुद्धि तत्व न मिला हुआ, ऐसे अचालकों को अपन नेज अचालक कहते हैं। नेज अचालक जो होते हैं वो परम शून्य ताप 0 केल्विन के ऊपर पूर्ण रूप से कुचालक होते हैं, जबकि रूम टेम्परेचर कमरे के ताप पर उनमें थोड़ी कुचालकता उत्पन्न हो जाती है। नेज जो अचालक हैं वो ज़्यादा उपयोगी नहीं है। उनका उपयोग बढ़ाने के लिए या उनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए उनकी चालकता में वृद्धि करनी पड़ती है। और चालकता में वृद्धि करने के लिए क्रिस्टल को, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो नेज अचालक के जो क्रिस्टल हैं, उन क्रिस्टलों को अपने को त्रुटिपूर्ण करना होता है। और त्रुटिपूर्ण करने के लिए उनमें कोई न कोई अशुद्धि तत्व मिलाना पड़ता है। दूसरा हमने पढ़ा था अपद्रव्य अचालक। अपद्रव्य अचालक मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो शुद्ध क्रिस्टल हैं, उन शुद्ध क्रिस्टलों के अंदर कोई भी अशुद्धि तत्व उपयुक्त या अशुद्धि तत्व मिला करके उनकी चालकता में वृद्धि करने के बाद जो अपने को अचालक प्राप्त होते हैं, उनको अपन बोलते हैं अपद्रव्य अचालक या फिर डोपिंग अचालक। और एक और शब्द यहाँ आता है डोपिंग या अपमिश्रण। अपमिश्रण किसे कहते हैं या डोपिंग क्या है, इसके बारे में भी अपन ने पढ़ा कि नेज या शुद्ध अचालक के अंदर अशुद्धि तत्व मिलाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम ही डोपिंग है या अपमिश्रण है। और हमने ये देखा कि अशुद्धि तत्व के आधार पर जो अपद्रव्य अचालक हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था हमारी पिछले वीडियो क्लास में। हमने एन प्रकार के अचालकों के बारे में चर्चा की। एन का मतलब यहाँ एन से जो अर्थ है वो है नेगेटिव, है मींस नेगेटिव, तो पी मींस यहाँ मतलब है पॉजिटिव। यहाँ अपद्रव्य अचालकों की चालकता में जो वृद्धि होती है वो नेगेटिव पार्टिकल के कारण होती है, इसीलिए इन्हें एन प्रकार के अचालक कहते हैं। और यहाँ जो है वो नेज अचालकों की जो नेज अचालकों को अपद्रव्य अचालक बनाने के बाद उनकी चालकता में जो वृद्धि होती है वो वृद्धि पॉजिटिव होल के कारण होती है, इसीलिए इस प्रकार के अचालकों को अपन पी प्रकार के अचालक कहते हैं। अब हमारा जो अचालक वर्ग है वो चौदह वर्ग के सदस्य हैं, सिलिकन और
इस वर्ग के यानी पतले वर्ग के तत्वों के भारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी चौथे वर्ग के तत्व यानी अचालक वर्ग के तत्व 4 से संयोजक बंध बनाएंगे, 13वें वर्ग के तत्व 3 से संयोजक बंध बनाएंगे, 15वें वर्ग के तत्व 5 तक से संयोजक बंध बनाने में सक्षम। जब अपन ने एन प्रकार के अचालकों का निर्माण किया, हमने क्या किया, अचालक वर्ग के जो सिलिकॉन जर्मेनियम के क्रिस्टल हैं उन क्रिस्टलों में हमने इस वर्ग के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाया। तब यानी जब अपन चौथे वर्ग के किसी अचालक में अचालक डिवाइस के अंदर अचालक क्रिस्टल के अंदर 15वें वर्ग के किसी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो एन प्रकार के अचालक बनते हैं। जब अपन और एन प्रकार के अचालक कैसे बने, अपन ने सिलिकॉन के क्रिस्टल को सिलिकॉन जो क्रिस्टल है उसको पिघला करके उसमें थोड़ी बहुत आर्सेनिक के फॉस्फोरस के एंटीमनी बिस्मिथ के किसी की भी अशुद्धि मिला दें तो इनके भारी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, इनके भारी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। इनके 5 इलेक्ट्रॉनों में से जब अपन अशुद्धि के रूप में सिलिकॉन के अंदर जैसे आर्सेनिक मिलाते हैं बिस्मिथ मिलाते हैं और मिलाने के बाद जब अपन वापस क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो उस सिलिकॉन परमाणु के स्थान पर इस वर्ग का कोई एलिमेंट आ जाता है और इस वर्ग के एलिमेंट के भारी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। उन 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन को 4 सिलिकॉन परमाणु के साथ 4 से संयोजक बंध बनाने में काम आ जाते हैं और 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है। उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण यानी नेगेटिव पार्टिकल के कारण क्रिस्टल की विद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है क्योंकि क्रिस्टल त्रुटिपूर्ण हो जाता है और वो पूरी फ्री इलेक्ट्रॉन संपूर्ण क्रिस्टल में क्या कर सकता है, भ्रमण कर सकता है। दूसरा है पी प्रकार के अचालक। यहाँ पी का मतलब मैंने आपको बताया कि पी का मतलब है पॉजिटिव, पी दैट मीन्स पॉजिटिव। जब अपन चौथे वर्ग के अचालक तत्वों के अंदर अचालक पदार्थों के अंदर 13वें वर्ग के किसी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाएं तो पी प्रकार के अचालकों का निर्माण होता है। कैसे होता है, जैसे अपने पास ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है और अपने को पता है कि सिलिकॉन एक सिलिकॉन परमाणु के भारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु अन्य 4 सिलिकॉन परमाणु के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का समझा करके 4 से संयोजक बंध बना देता है। 1 2 ये बंध बने हुए, ये सिलिकॉन 1 बंध 2 बंध तीसरा और चौथा बंध, यानी इस तरफ भी सिलिकॉन परमाणु और ऊपर भी सिलिकॉन परमाणु और है। ये पूरा क्रिस्टल है, हमने क्रिस्टल का केवल एक पार्ट लिया, अपन ने केवल एक टुकड़े एक भाग की चर्चा की। ये सिलिकॉन का एक क्रिस्टल का एक भाग है जिसमें इस सिलिकॉन परमाणु के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। के रूप में हमने इसमें बोरोन मिला दिया, बोरोन जो कि 13वें वर्ग का एलिमेंट है, हमने अशुद्धि के रूप में क्या मिला दिया, अशुद्धि मिला दी हमने किसकी, बोरोन। हमको पता है कि बोरोन के बाहर वाले कोष में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंदर मिला दिया और मिला करके वापस हमने उसको ठंडा किया और उसका क्रिस्टलाइजेशन किया। जब क्रिस्टलाइजेशन किया तो बोरोन और सिलिकॉन के आकार में खास अंतर न होने के कारण जैसे ही अपन सिलिकॉन क्रिस्टल का वापस क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो गलती से उस सिलिकॉन परमाणुओं की जगह कौन आ जाता है, बोरोन परमाणु आ जाते हैं। हमने मान लिया कि इस सिलिकॉन परमाणु की जगह कौन आ गया, एक बोरोन एलिमेंट आ गया, बोरोन परमाणु आ गया, यह आ गया बोरोन। लेकिन जब यहाँ सिलिकॉन था तो सिलिकॉन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब आ गया है बोरोन और बोरोन के पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बोरोन पी ब्लॉक में यानी 13वें वर्ग का एलिमेंट है और 13वें वर्ग के तत्वों के बाहर वाले कोष में संयोजी कोष में या वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो
अब यहाँ चार इलेक्ट्रॉन नहीं है, तीन इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। बोरोन अपने बाहर वाले कोष में उपस्थित तीनों इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करके तीन सिलिकॉन परमाणुओं के साथ क्या कर लेता है, सहसंयोजक बंध बना लेता है। अब चौथा जो बंध बनना चाहिए था उस जगह इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, यानी इस भाग में कमी रहेगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी इस एरिया में, जहाँ मैंने वैकेंट स्पेस खोला बनाए हैं वहाँ एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यानी यहाँ एक जगह बन गई, यानी इस क्रिस्टल के अंदर एक त्रुटि उत्पन्न हो गई, एक दोष उत्पन्न हो गया। अब इस खाली जगह को भरने के लिए अन्य इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, यहाँ गति कर सकते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यदि मूवमेंट करके यहाँ आ जाए तो सिलिकॉन और बोरॉन के बीच यहाँ क्या बन जाएगा, बंद बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक वैकेंट स्पेस बन जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। इस कमी को भरने के लिए अन्य कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा उसकी जगह वापस एक वैकेंट स्पेस बन जाएगा। इस प्रकार ये पॉजिटिव होल जो है वो पूरे क्रिस्टल में क्या कर सकता है, गति कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जगह को अपन बोलते हैं धनात्मक छिद्र, यानी पॉजिटिव होल। और ये पॉजिटिव होल अब संपूर्ण क्रिस्टल में क्या कर सकता है, गति कर सकता है। जैसे अपन इस क्रिस्टल के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को गति करने के लिए जगह अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, गति करेंगे, तो क्रिस्टल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो इस प्रकार एक पॉजिटिव होल के कारण क्रिस्टल की विद्युत चालकता में या अचालक क्रिस्टल की विद्युत चालकता के अंदर क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसीलिए अपन इस प्रकार के अचालकों को बोलते हैं पी पी, दैट मीन्स पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है यहाँ एक पॉजिटिव होल बनता है, इस पॉजिटिव होल के कारण नेज अचालक अपद्रव्य अचालक में परिवर्तित हो जाता है या नेज अचालक त्रुटिपूर्ण हो जाता है, और इस पॉजिटिव होल के कारण अपद्रव्य नेज अचालक की चालकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार पी प्रकार के अचालकों का निर्माण होता है। तो ये दो प्रकार के अचालक हो गए हमारे, एन प्रकार के अचालक और पी प्रकार के अचालक। एन प्रकार के अचालक कब बनते हैं, एन प्रकार के अचालक बनते हैं जब चौथे वर्ग के अचालक पदार्थों में सिलिकॉन और जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में पंद्रह वर्ग के किसी तत्व को मिलाया जाता है। पी प्रकार के अचालक कब बनते हैं, जब चौथे वर्ग के अचालक क्रिस्टलों के अंदर तेरह वर्ग के किसी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, तो बनते हैं पी प्रकार के अचालक। तो ये अपने दो प्रकार के अचालक हो गए। अचालकों में आपको इतना याद रखना है कि एन का मतलब है, यानी एन प्रकार के अचालक का मतलब है, और 14 में मिलाना अपने को 15 वर्ग का कोई था, और पी प्रकार के अचालक का मतलब है 14 वर्ग में मिलाना अपने को अशुद्धि के रूप में 13 वर्ग का कोई था। बस इतनी दो बातें याद रखनी है कि चौदहवें वर्ग के किसी अचालक क्रिस्टल के अंदर जब अपन 15वें वर्ग के किसी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिला देंगे तो एन प्रकार के अचालकों का निर्माण होगा। जब 14वें वर्ग के अचालक क्रिस्टलों के अंदर हम 13वें वर्ग के किसी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिला देंगे तो पी प्रकार के अचालकों का निर्माण होगा। इन अचालकों का उपयोग क्या है, इनका उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में है, एन पी एन और पी एन पी प्रकार के, एन पी एन और पी एन पी, इस प्रकार के ट्रांजिस्टर बनाने में इन अचालकों का उपयोग किया जाता है। फोटो उत्सर्जक डायोड है और जो प्रकाश विद्युत सेल है उसके निर्माण में भी इस प्रकार के अचालकों का उपयोग किया जाता है। अचालक पदार्थ और बनाए गए हैं, कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो और बनाई गई हैं। किस आधार पर, इस आधार पर बनाई गई हैं जैसे कि हमारे जो अचालक क्रिस्टल हैं, हमारे जो नेज अचालक हैं या अपनी कहते हैं कि वो प्राकृतिक अचालक हैं, वो है हमारे पास सिलिकन और जर्मेनियम, ये दो हैं हमारे पास प्राकृतिक रूप से प्राप्त अचालक। और इन दोनों की इसकी संयोजकता भी कितनी है,
समरूपता भी कितनी, चार। इसकी समरूपता भी कितनी, चार। क्योंकि ये कौन से वर्ग के, द्विविभव के तत्व है, द्विविभव के तत्वों के भार वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। इसकी समरूपता कितनी दिखाएंगे, चार दिखाएंगे। अब ये सोचा गया कि क्यों ना कुछ ऐसे और पदार्थ बना लिए जाए जिनके बाहर वाले कोष में ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन है या उनकी ओवरऑल जो संयोजकता है वो कितनी हो जाए, चार। इसका मतलब ये है कि ऐसे पदार्थ जो चार, यानी नेट संयोजकता चार दिखाएंगे, परिणामी संयोजकता चार दिखाएंगे, ऐसे पदार्थ हम बना लें, हो सकता है कि उनमें भी हर चालकता के गुण आ जाएं। यानी ये कयास लगाएंगे, ये अनुमान लगाया गया कि हम दो पदार्थों को, दो या दो से ज़्यादा प्रकार के तत्वों को मिला करके एक ऐसा मिश्रण तत्व बना दें या एक ऐसा मिश्रण बना दें अपन, उस मिश्रण में उपस्थित जो कंपोनेंट पार्टिकल हैं उन कंपोनेंट पार्टिकल्स की जो नेट वैलेंसी है वो चार हो, और अगर नेट वैलेंसी चार होगी इनकी तरह तो हो सकता है कि उनमें भी अचालकता यानी सेमी कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाए। ऐसा अनुमान लगाया गया और इस अनुमान के आधार पर कुछ पदार्थ तैयार किए गए, और पदार्थ तैयार करने के बाद उनकी जो सेमी कंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो चेक की गई। तो जो साइंटिस्ट थे वो सरप्राइज हो गए कि जो पदार्थ बनाए गए दो पदार्थों को मिलाकर, दो प्रकार के तत्वों को मिलाकर के जो पदार्थ बनाए गए, ऐसे पदार्थ जिनकी नेट वैलेंसी चार है उनमें भी इन्हीं सिलिकॉन और जर्मेनियम की भांति सेमी कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, अचालकता का गुण उनमें उत्पन्न हो गया। जैसे हमारे पास बारहवें वर्ग के तत्व हैं, जैसे हमारे पास बारहवें वर्ग कौन सा है, जिंक, एल्युमिनियम, मर्करी। इनके बाहर वाले कोष में, जिंक के बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, जिंक के दो इलेक्ट्रॉन। जिंक कितने पर आता है, 23 पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, N-1d, 10, Ns2। एकदम बाहर वाला कोष कौन सा है, ns ऑर्बिटल। और अगर अपन प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे तो 3d10 और s, तो यानी बाहर वाला कोष है चौथा कोष, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन। अब अपन इसमें 16वें वर्ग का कोई तत्व है, 16वें वर्ग कौन सा अपने पास, ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन, सल्फर, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इस वर्ग के तत्वों के बाहर वाले कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कौन से वर्ग की है, 16वें वर्ग की, इनके बाहर वाले कोष में सबके 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका मान वो होता है Ns2Nb4। यानी बाहर वाले कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या किया, 12वें वर्ग के तत्व और 16वें वर्ग के जो तत्व हैं उन तत्वों को आपस में मिक्स कर दिया, यानी जिंक और अपन ने सल्फर को मिला दिया आपस में, अपन ने मिला दिया जिंक प्लस सल्फर को या ऑक्सीजन को मिला दिया अपन ने, जैसे अपन ने सल्फर मिला दिया इसमें, जिंक और सल्फर को मिला दिया। जिंक के बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल ये कंपाउंड बन गया, कंपाउंड कौन सा बन गया, जिंक सल्फाइड बन गया। अब ये एक कण बन गया, इस एक कण में प्रत्येक परमाणु की जो औसत संयोजकता निकालेंगे अपन, वो औसत निकालेंगे अपन
दोनों परमाणुओं के भारी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बटा टोटल परमाणु कितने अपने पास 20 था और सल्फाइड दो है तो दो का दो से डिवाइड करते हैं, टोटल रिजल्टेंट कितना आया 4। यानी एक परमाणु पहले अकेले जिंक के पास दो इलेक्ट्रॉन थे संयोजी, अकेले सल्फर के पास 6 थे, लेकिन जब अपन ने दोनों को मिला दिया तो दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बाहर वाला जो कोष बना उस बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो और 6 8 हो गए। तो एक अगर दो के पास 8 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले कोष में, तो अगर अपन एक की माने तो एक के पास कितने हैं 4, औसत रूप से एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इस यौगिक की जो औसत संयोजकता है, इस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु की जो औसत संयोजकता है वो कितनी आ गई 4 आ गई। और 4 आने का मतलब है औसत संयोजकता 4, इसका मतलब अब ये समानता दिखा रहा है किसके साथ, सिलिकन और जर्मेनियम के साथ, क्योंकि सिलिकन और जर्मेनियम की भी संयोजकता कितनी 4। सिलिकन और जर्मेनियम में भी अचालकता का गुण कहा जाता है, इसका मतलब इस जिंक सल्फाइड में भी अचालकता का गुण होना चाहिए। और जब इसकी अचालकता की प्रॉपर्टी चेक की गई तो पता चला कि जिंक सल्फाइड में भी अचालकता की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इस प्रकार के भी कुछ पदार्थ बनाए गए हैं, दो प्रकार के या दो से अधिक प्रकार के तत्वों को मिलाकर के भी इस प्रकार के अचालक डिवाइस बनाई गई हैं, जिनमें प्रत्येक परमाणु की औसत संयोजकता कितनी निकाली, कितनी निर्धारित की गई 4 निर्धारित की गई। तो ऐसे यौगिक या ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित प्रत्येक तत्व की औसत संयोजकता अगर 4 आ रही है तो हो सकता है कि उसमें भी अचालकता का गुण उपस्थित हो। और ये अभी रिसर्च का फील्ड है, इसमें रिसर्च हो रही है, यानी इसके अंदर खोज अभी जारी है और इस प्रकार के पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है, ये अभी भविष्य की बात है। तो ये हो गए अपनी अर्धचालक। अब अगला जो टॉपिक है अपना वो है ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण, ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण। और
इसके पास अपन ने एक दो छोटी आल्फिन है वो रख दी, आल्फिन रख दी अपन ने यहाँ पर। जैसे हम कुंजी को ऑन करते हैं, यानी जैसे अपन बटन दबाते हैं कुंजी ऑन करते हैं, कुंजी ऑन करते ही यानी बटन को दबाते ही इस परिपथ में इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं, इस कुंडली में इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे अपन परिपथ को ऑन करते हैं या बटन को दबाते हैं कुंजी ऑन करते हैं, ऑन करते ही ये जो आल्फिन यहाँ रखी हुई है ये आल्फिन इस कील से चिपक जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन की गति करने से इस कुंडली के चारों तरफ एक मैग्नेटिक एरिया यानी एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया। उस चुंबकीय क्षेत्र ने लोहे से बनी हुई इन कीलों को अपनी ओर क्या कर लिया, आकर्षित किया। जैसे अपन इस कुंजी को ऑफ करते हैं यानी की को अपन ऑफ करते हैं, ऑफ करते ही ये आल्फिन वापस नीचे गिर जाती है। इसका मतलब जब तक परिपथ के अंदर जब तक इस कुंडली में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे थे, तब तक चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ था और उस चुंबकीय क्षेत्र ने इन आल्फिन को अपनी ओर क्या किया, आकर्षित किया। जैसे हमने धारा प्रवाह बंद किया वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र जो है वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र के खत्म होते ही आल्फिन वापस नीचे गिर गई। इसका मतलब ये है कि ये प्रयोग अपने को ये बताता है कि आवेशित जो कण है उस आवेशित कण के त्वरित गति के कारण, आवेशित कण की त्वरित गति के कारण उस कण के आसपास एक मैग्नेटिक एरिया क्रिएट हो जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का मतलब है कि कोई आवेशित कण जब इस दिशा में गति कर रहा है, मान ले कोई इलेक्ट्रॉन है अगर इस दिशा में गति कर रहा है जो कि एक आवेशित पार्टिकल है, इस कण की गति करने से यानी त्वरित गति करने से अपने आवेशित कण है तो स्वाभाविक है कि आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो बनेगा ही बनेगा, और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का भी विकास हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण हो जाता है। और दोनों क्षेत्र जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यानी जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उस आवेशित कण की गति से दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। यानी अगर ये विद्युत क्षेत्र है या अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कण की गति की दिशा के भी लंबवत होते हैं और परस्पर एक दूसरे के भी लंबवत होते हैं। इसका मतलब सारा खेल है आवेश का। जब अपन चुंबकीय क्षेत्र की और विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो ये सारा का सारा जो काम है वो आवेश का काम है। आवेश के कारण, आवेश की गति के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकते हैं। अब अपन बात करें पदार्थों के चुंबकीय गुणों की, तो यहाँ से एक बात ये तय हो गई कि आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है या होता है। त्वरित आवेश जब त्वरित गति करेगा तो आवेश की त्वरित गति के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण भी होगा। और आवेश की त्वरित गति के कारण एक विद्युत चुंबकीय विकिरण का निर्माण हो जाता है। अब अपन पदार्थों पर आएंगे। पदार्थों में होते हैं इलेक्ट्रॉन। पदार्थों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। जैसे अपने पास कोई अक्ष एटम है, इस अक्ष एटम के भार वाले कोश में मान लेते हैं ये इसका भार वाला कोश है और उसमें एक दो तीन इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन। इस एटम के ये जो बाहरी कोश है उस बाहरी कोश में तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दो प्रकार की गतियां करता है। इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो दो प्रकार की गति करता है। कौन कौन सी गति, ये है अपना नाभिक और ये है उसके चारों ओर उपस्थित कक्षक। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे यहाँ मान लो कि इस कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इस पथ पर घूमेगा, इसको अपन बोलते हैं कक्षा। और कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, उस गति को अपन बोल देते हैं उसकी कौन सी गति, कक्षक की गति। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, उस घूर्णन से संबंधित हमने चुंबकीय जो क्वांटम है, जो क्वांटम संख्या है उसके बारे में, प्रायः चक्रण क्वांटम संख्या एस के बारे में अपन कक्षा 11 में पढ़ के आए हैं। अपन ने कक्षा 11 के अंदर चार क्वांटम संख्या पढ़ी थी, उनमें से एक क्वांटम संख्या थी चक्रण क्वांटम संख्या। ये चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूर्णन को बताती है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस चक्रण क्वांटम संख्या के हमने दो मान पढ़े थे, एक तो प्लस माइनस एक बट्टा दो, एक तो प्लस एक बट्टा दो और दूसरा माइनस एक बट्टा दो, प्लस एक बट्टा दो और माइनस एक बट्टा दो, ये दो मान होते हैं इसके। अगर एस का मान प्लस एक बट्टा दो है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है अपने अक्ष के ऊपर। और यदि इलेक्ट्रॉन चक्रण क्वांटम संख्या एस का मान अगर माइनस एक बट्टा दो मान लें अपन, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा के विपरीत घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो चक्रण क्वांटम संख्या के दो मान हैं, और ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है ये इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूर्णन को बताती है। जिस प्रकार ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, और अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में भी घूमती है। तो जो पृथ्वी है वो दो प्रकार की गतियां करती है, अपने अक्ष पर अक्षीय गति करती है या उसे चक्रण गति भी बोल देते हैं अपन, और दूसरी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, उसे अपन बोल देते हैं उसकी कक्षीय गति। तो दो प्रकार की गतियां हो गई इलेक्ट्रॉन की भी, एक तो कक्षकीय गति हो गई और दूसरी कौन सी गति हो गई, चक्रण गति। कक्षकीय गति होती है कक्षा में और चक्रण गति होती है कहां, अपने ही अक्ष पर। दो प्रकार की गतियां करता है इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक आवेश कण है, और जब इलेक्ट्रॉन गति करता है, जब आवेश गति करता है तो आवेश की गति के कारण, चाहे वो अक्षय गति करे चाहे वो चक्रण गति करे, उसकी गति के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। आवेश की गति के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब दो प्रकार के गतियां हो गई इलेक्ट्रॉन की, एक तो हो गई कक्षीय गति और एक हो गई चक्रण गति। जो चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे वो भी दो प्रकार के बन गए, कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और किसी चुंबकीय क्षेत्र की जो मान है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, वो चुंबकीय आघूर्ण से निकालते हैं अपन, चुंबकीय आघूर्ण से अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मेजरमेंट करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। अब दो प्रकार के मैग्नेटिक मोमेंट हो गए अपने पास, एक तो कक्षीय गति हुई यानी इलेक्ट्रॉन की ये गति हुई, इस गति के कारण भी परमाणु के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना या फिर इलेक्ट्रॉन के चारों ओर एक मैग्नेटिक एरिया बना। उस मैग्नेटिक क्षेत्र यानी इस कक्षीय गति के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र था, इस चुंबकीय क्षेत्र का भी अपना एक क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। अपनी कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण हुआ उसे अपन बोलते हैं म्यू एल। अगली बात समझ में, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने अपनी कक्षा में गति की, त्वरित गति की। जब इलेक्ट्रॉन ने अपनी कक्षा में गति की तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र बना, उस चुंबक का, उस चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको अपन ने मान लिया म्यू एल। यानी कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बना उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी अपन मान लेते हैं कि म्यू एल। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूमा, चाहे वो क्लॉकवाइज घूमा चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा, लेकिन वो अपने अक्ष पर भी रोटेट हुआ, और जब अपने अक्ष पर घूमा तो अक्ष पर घूमने के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र बना, उस चुंबकीय क्षेत्र को अपन बोल रहे हैं, उस चुंबकीय क्षेत्र बना, और उस चुंबकीय क्षेत्र का ये जो चुंबकीय आघूर्ण है ये तो इस अक्षीय, इस कक्षकीय गति के कारण है, और ये जो चुंबकीय आघूर्ण है वो है चक्रण गति के कारण, ये है कक्षीय गति के कारण या कक्षकीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण। और ये जो चुंबकीय आघूर्ण है दूसरे प्रकार का, वो है चक्रण गति के कारण
अपन चुंबकीय आकुरण, जिसे अपन बोल रहे हैं म्यू एस। दो प्रकार के आवरण हो गए, एक तो कक्षकीय चुंबकीय आवरण और एक चक्रण चुंबकीय आवरण। कक्षकीय मतलब कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आवरण, और चक्रण चुंबकीय आवरण का मतलब है चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आवरण। किसी भी इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो चुंबकीय आवरण है, परिणामी चुंबकीय आवरण है, वो इन दोनों चुंबकीय आवरणों के सदिश योग के बराबर होता है। चुंबकीय आवरण एक सदिश राशि है और परिणामी जो चुंबकीय आवरण है, परिणामी वो इन दोनों के सदिश योग के बराबर, म्यू एल प्लस म्यू एस। ये है किसी भी इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को यानी सामर्थ्य को व्यक्त करता है। चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा है, इसका मतलब उसमें चुंबकत्व का गुण भी ज्यादा है। चुंबकीय आघूर्ण कम है, इसका मतलब उसमें चुंबकत्व का गुण भी, चुंबकत्व की प्रॉपर्टी भी कम है। अब हमें यह पता चल गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो वो स्वाभाविक है कि परमाणु में उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गतियां करेगा, एक तो कक्षीय गति करेगा और एक चक्रण गति करेगा। कक्षीय गति के कारण भी चुंबक बनेगा और चक्रण गति के कारण भी चुंबक बनेगा। कक्षीय गति के कारण जो चुंबक बनेगा, उस चुंबक का अपना एक चुंबकीय आघूर्ण है, यानी अपनी उसकी अपनी तीव्रता है। उस चुंबकीय आघूर्ण को अपन बोल रहे हैं कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण या कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, म्यू एल। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अपनी अपने अक्ष पर घूमेगा, जिसे अपन बोल रहे हैं चक्रण गति। चक्रण गति के कारण भी एक चुंबक बनेगा, उस चुंबक का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र की एक निश्चित निर्धारित तीव्रता है। तो उस चक्रण गति के कारण जो चुंबक बना, उस चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण है, उसे अपन मान लिया म्यू एस। यानी इस प्रकार से यहां भी एक चुंबकीय क्षेत्र बना और यहां भी एक चुंबकीय क्षेत्र बना। इस चुंबकीय क्षेत्र को अपन बोल रहे हैं म्यू एल से, और इस चुंबकीय क्षेत्र को जो चक्रण गति है करण, उसको अपन बोल रहे हैं म्यू एस से। इस इलेक्ट्रॉन का जो परिणामी आघूर्ण है, वो परिणामी आघूर्ण इन दोनों चुंबकीय आघूर्णों के सदिश योग के बराबर है। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो हो सकता है कि दोनों के अंतर के बराबर हो सकता है कि परिणामी आघूर्ण दोनों के अंतर के बराबर हो या दोनों के योग के बराबर हो। डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, कक्षीय गति और चक्रण गति, वो दोनों एक ही तरफ है या फिर एक दूसरे के विपरीत है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो। वो डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के ऊपर, कि यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा। लेकिन अपन ये कहते हैं कि सदिश योग के बराबर है, हो सकता है कि प्लस हो सकता है कि माइनस हो। तो ये हो गया परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। अब एक परमाणु में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के अंदर। जैसे अपने पास हाइड्रोजन का एक परमाणु, और हाइड्रोजन के परमाणु के बाहर वाले कोष में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1, यानी ये वो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन परमाणु में स्थित है। अगर अकेले हाइड्रोजन परमाणु की बात की जाए तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा परिणामी, जो बराबर होगा म्यू एल प्लस म्यू एस के बराबर। यानी इस इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण है। अब जब अपन ने दूसरा, ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन है, ये किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन है, कि अयुग्मित। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अपना एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण होता है। यहाँ इन दोनों राशियों के लिए, ये दोनों का जो योग आए या इनका चाहे अंतर आए, वो यहाँ कोई ना कोई मान आएगा। ये योग कभी भी शून्य नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब अपन ने क्या किया, दो हाइड्रोजन परमाणुओं को मिला दिया,
दो हाइड्रोजन परमाणुओं को अपन ने मिला दिया और अपन ने क्या बना दिया, H2 अणु बना दिया। जब अपन ने H2 अणु बनाया इसका मतलब है कि दोनों यानी एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन ये अपन ने दोनों को मिलाया, दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं। और हमें पता है कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं, युग्म बना लेते हैं। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिले तो मिलकर मिलने के बाद दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए। अब जब दोनों के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए तो ये मान लेते हैं अपन कि एक हाइड्रोजन परमाणु ये है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है ये।